आज 18 अक्टूबर को स्मरण करेंगे ध्येय मंदिर के पुजारी सोहन सिंह जी को। संघ कार्य के लिए जीवन समर्पित करने वाले वरिष्ठ प्रचारक श्री सोहन सिंह जी का जन्म 18 अक्टूबर 1923 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के हरचना गांव में हुआ। 6 भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे। 16 वर्ष की अवस्था में वे स्वयंसेवक बने। 1942 में बीएससी करते ही उनका चयन भारतीय वायुसेना में हो गया, पर उन्होंने नौकरी की बजाय प्रचारक कार्य को स्वीकार किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता से युवक बहुत उद्विग्न थे। उन दिनों सरसंघ चालक श्री गुरुजी युवकों को देश के लिए समय देने का आग्रह कर रहे थे। उनकी प्रेरणा से दिल्ली के 80 युवक प्रचारक बने, जिसमें सोहन सिंह जी भी थे। इससे पूर्व वे दिल्ली की सायम शाखाओं में मंडल कार्यवाह थे। 1943, 44 और 45 में उन्होंने तीनों संघ शिक्षा वर्ग पूरे किए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। प्रचारक बनने पर उन पर करनाल, रोहतक, झज्जर, अम्बाला और दिल्ली महानगर का काम रहा। 1973 में उन्हें जयपुर विभाग का काम देकर राजस्थान भेजा गया। आपातकाल में वे वहीं पर गिरफ्तार हुए। इसके बाद वे 10 वर्ष राजस्थान प्रांत प्रचारक, 1987 से 96 तक दिल्ली में सह क्षेत्र और फिर क्षेत्र प्रचारक, 2000 तक धर्म जागरण विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख और फिर 2004 तक उत्तर क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख रहे। इसके बाद अस्वस्थता के कारण उन्होंने सब दायित्वों से मुक्ति ले ली। 1948 में के प्रतिबंध काल में वे जेल भी गए थे। उन्हें जिस कोठरी में रखा गया, सर्दी में उसमें पानी भर दिया, ऐसी यातनाओं के बाद भी वे अडिग रहे। 1965 के युद्ध के समय रात में 10 बजे एक सैन्य अधिकारी ने संदेश भेजा कि अति शीघ्र 100 यूनिट रक्त चाहिए। उन दिनों फोन नहीं थे, पर सोहन सिंह जी ने सुबह से पहले ही 500 लोग सैनिक अस्पताल में भेज दिए। 1973 से पूर्व हरियाणा में संभाग प्रचारक रहते हुए वे अनिद्रा और स्मृति लोप से पीड़ित हो गए। इस पर राजस्थान में प्रांत प्रचारक ब्रह्मदेव जी उन्हें जयपुर ले गए। वहां के आयुर्वेदिक इलाज से वे ठीक तो हुए, पर कमजोरी बहुत अधिक थी। आपातकाल में जब वे जेल गए तो कार्यकर्ताओं ने उनकी खूब मालिश की, इससे वे पूर्णतः स्वस्थ हुए। जेल में उनके कारण प्रशिक्षण वर्ग जैसा माहौल बना रहता था, इससे अन्य दलों के लोग भी बहुत प्रभावित हुए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि हर आयु वर्ग और स्तर के कार्यकर्ता उनसे खुलकर अपनी बात कह सकते थे। किसी भी विषय पर निर्णय करने से पूर्व वे धैर्य से सबकी बात सुनते थे। वे कार्यकर्ताओं को भाषण की बजाय अपने व्यवहार से समय पालन और जिम्मेदारी का एहसास कराते थे। राजस्थान के एक वर्ग में घड़े भरने की जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ता पर थी, वह थकान के कारण ऐसे ही सो गया। सोहन सिंह जी ने रात में निरीक्षण के दौरान जब यह देखा तो उसे जगाने के बजाय खुद बाल्टी लेकर घड़े भर दिए। सोहन सिंह जी का जीवन बहुत सादा था। राजस्थान और दिल्ली में भाजपा का राज में भी उन्होंने कभी किसी नेता या शासन के वाहन का प्रयोग नहीं किया। वे रेलगाड़ी में प्राय साधारण श्रेणी में ही चलते थे। वृद्धावस्था में भी जब तक संभव हुआ वे कमरे की सफाई तथा कपड़े स्वयं धोते थे। कपड़े प्रेस कराने में भी उनकी रुचि नहीं थी। वे सामान बहुत कम रखते थे। यदि कोई उन्हें वस्त्र आदि भेंट करता तो वे दूसरों को दे देते थे। दिल्ली में उन्होंने अपने कमरे में एसी भी नहीं लगने दिया। बीमारी में भी अपने लिए कोई विशेष चीज बने वे इसके लिए मना करते थे। 4 जुलाई 2015 को रात में दिल्ली कार्यालय पर ही उनका निधन हुआ। मृत्यु के बाद उनके नेत्र दान कर दिए गए। भारत माता की जय।